Assalamu alaikum everyone, welcome to Vocabgram. In today's lesson, we are going to learn 20 English slang words. If you want to speak fluent English, you need to learn slang words because native English speakers, they use a lot of slang words while conversating, and if you want to speak like them or understand them, you need to learn all these slang words. So let's begin. Our first slang word is kick-ass. Kick-ass ka matlab hota hai act in a forceful and aggressive manner, और इसका सेकेंड मीनिंग होता है एक्सीलेंट. देखिए कोई कोई काम हो रहा है जो बहुत ही फोर्सफुल किस्म का, बहुत ही अग्रेसिव अंदाज से हो रहा है, तो उसके लिए भी आप कहेंगे कि इट वाज अ किक एस, कि मतलब बड़ा ही अग्रेसिव किस्म का एक्ट था, या बड़ा ही फोर्सफुल किस्म का, बड़ा ही डिटर्मेंट किस्म का जो है ना ये एक्ट था. ठीक है, ये कोई इंसान ऐसा है जो कि जो भी काम करता है वो बड़ा ही डिटर्मेंट होकर कर रहा है, या किसी चीज में बड़ा फोर्सफुल हो रहा है, या बहुत अग्रेसिव हो रहा है वो इंसान, तो इस इंसान को भी आप एक किक एस इंसान बोल सकते हैं. ठीक है, ये स्लैंग वर्ड्स हैं, ये सिर्फ कन्वर्सेशन के दौरान जो है ना वो यूज होते हैं. ठीक है, अच्छा, इसका सेकंड मीनिंग जो एक्सीलेंट, कोई चीज आपको बहुत अच्छी लग रही है तो उसके लिए भी, जो आप बोलेंगे कि भाई कमाल है, तो उसके लिए भी आप ये जो स्लैंग वर्ड है किक एस इसको यूज करेंगे. देखिए अभी मैं आपको सेंटेंसेस में बताती हूँ. जैसे कि जो फर्स्ट मीनिंग में हमारा पहला सेंटेंस है, आई एम एक्सपेक्टिंग हिम टू बी अ किक एस बॉस, कि मुझे ये लग रहा है या मुझे ये एक्सपेक्टेशन है कि ये बहुत ही किक एस किस्म का बॉस होगा, मतलब बहुत ही अग्रेसिव, बड़ा फोर्सफुल किस्म का होगा, बहुत टफ टाइम देगा. ठीक है, बड़ा टफ किस्म का बॉस होगा. हमारा जो सेकंड सेंटेंस है, दे लॉन्च सम किक-ऐस डिजाइन्स दिस ईयर, जो हमारा सेकंड मीनिंग है एक्सीलेंट की मीनिंग में, कि आप किसी भी ब्रांड के बारे में बात कर सकते हैं कि उन्होंने इस साल जो है ना बहुत ही किक-ऐस किस्म के डिजाइन्स जो है वो लॉन्च किए, मतलब कि बहुत ही जबरदस्त किस्म के जो डिजाइन्स है वो उन्होंने इस साल लॉन्च किए हैं. ठीक है, नेक्स्ट इंग्लिश स्लैंग वर्ड इज बैडएस. बैडएस एक ऐसे इंसान को कहते हैं, एन इंटिमिडेटिंग पर्सन, ऐसा इंसान जिसकी पर्सनैलिटी जो है वो उसमें इतना एक रोब हो, एक दबदबा हो कि लोग उससे डरें. ठीक है, लोग खौफजदा हो जाए उसकी पर्सनैलिटी की वजह से, ऐसे इंसान को आप एक बैडएस इंसान कहेंगे. ठीक है, उसकी पर्सनैलिटी के अंदर ही एक रोब किस्म का होता है. इंटिमिडेटिंग कहते हैं ऐसे इंसान को जिससे लोगों को खौफ आता हो, जिससे लोग डर जाते हैं. ठीक है, उसकी पर्सनैलिटी में एक रोब होता है, तो ऐसे इंसान के लिए इंटिमिडेटिंग जो है ये तो फॉर्मल वर्ड है, पर जो बैडएस है ये स्लैंग वर्ड है. ठीक है, तो स्लैंग में आप बैडएस जो वो यूज कर सकते हैं. इसका सेंटेंस होगा, शी इज अ बैडएस बिजनेस वुमन हु लिसंस टू नोबडी, कि वो जो है वो एक बैडएस किस्म की बिजनेस वुमन है, मतलब बहुत ही टफ किस्म की है, इंटिमिडेटिंग किस्म की है, उसके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो उससे, उसका मतलब बड़ी बारोब किस्म की उसकी पर्सनैलिटी है, तो उसके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो उससे थोड़ा दब के रहते, तो वो किसी की सुनती नहीं है. शी इज अ बैडएस बिजनेस वुमन. ठीक है, नेक्स्ट इंग्लिश लैंग वर्ड इज स्वैग. स्वैग आपने बहुत ज्यादा जो है ना सुना होगा, लोग बहुत यूज करते हैं. स्वैग का मतलब होता है स्टाइल, किसी की पर्सनालिटी का जो स्टाइल होता है ना, एक बहुत ही डिफरेंट किस्म का, मुनफरिद किस्म का, एक बहुत ही कूल किस्म का जो स्टाइल होता है उसको हम स्वैग बोलते हैं. ठीक है, इसको जैसे कि आप सेंटेंस में कह सकते हैं कि नो वन कैन मैच हिज स्वैग, कि उसकी पर्सनालिटी का जो ये एक ऑरा है, एक स्टाइल है, ऑरा तो नहीं होता, स्टाइल होता है. ठीक है, कि उसकी पर्सनालिटी का जो एक स्टाइल है ना उसे कोई मैच नहीं कर सकता. ठीक है, और नेक्स्ट इंग्लिश स्लैंग वर्ड इज हिच्ड. हिच्ड कहते हैं टू गेट मैरिड. ठीक है, अपने किसी की शादी हो रही है, कोई शादी कर रहा है, तो दे आर गेटिंग हिच्ड. ठीक है, कि वो शादी कर रहे हैं. ठीक है, मैरिड के लिए आप जो ना हिच्ड स्लैंग वर्ड यूज कर सकते हैं. जैसे कि आपके आपने किसी अपने आपके कोई दोस्त से कोई एक्सपेक्ट कर रहे हो, आपके इन दोनों की शादी होने वाली है, और आप उनसे पूछना चाह रहे हो कि कब होनी है, तो आप कह सकते हैं कि व्हेन आर यू गाइज गेटिंग मैरिड, सॉरी गेटिंग हिच्ड. गेटिंग मैरिड मतलब नॉर्मल है वो जो हम यूज करते हैं, लेकिन अगर आपने उसकी जगह पर स्लैंग यूज करना है तो आप कहेंगे व्हेन आर यू गाइज गेटिंग हिच्ड, कि कब आप जो है ना वो शादी कर रहे हैं. ठीक है, नेक्स्ट इंग्लिश स्लैंग वर्ड इज फ्लिक. फ्लिक कहते हैं सिनेमा फिल्म को, जो भी हम ये मूवीज देखते हैं ना, जो सिनेमा मूवीज होती हैं, उनको मूवी कहने की बजाय, फिल्म कहने की बजाय जो स्लैंग वर्ड यूज हो सकता है वो हो सकता है फ्लिक. ठीक है, जैसे कि इसका सेंटेंस होगा, आई डोंट वॉच हॉरर फ्लिक्स, कि जो ये ड्रोनी किस्म की, हॉरर किस्म की जो मूवीज होती है, तो मैं ये मूवीज नहीं देखता हूँ या देखती हूँ. ठीक है, तो मूवी के लिए जो है ना, फिल्म के लिए जो सिनेमा फिल्म होती है, आप फ्लिक जो स्लैंग वर्ड है वो यूज कर सकते हैं. ठीक है, आज हमारा जो नेक्स्ट स्लैंग वर्ड है वो है लेड बैक. लेड बैक भी बहुत ज्यादा यूज होता है, नेटिव स्पीकर्स बहुत यूज करते हैं, और आपने मूवीज में भी सुना होगा ये वर्ड जो यूज होता है. इसका मतलब होता है रिलैक्स एंड काम. कोई इंसान अपनी सिचुएशन बता रहा है, कोई सिचुएशन हो जो बड़ी रिलैक्स हो, जो काम हो, या कोई इंसान बड़ा रिलैक्स, बड़ा काम है. ठीक है, तो उसके लिए जो स्लैंग वर्ड है लेड बैक, इसको यूज करते हैं. इसको सेंटेंस में कैसे यूज कर सकते हैं, देखिए जैसे कि आप कह सकते हैं कि हाउ कैन यू बी सो लेड बैक इन दिस क्योटिक सिचुएशन. कि क्योटिक कहते हैं ऐसी सिचुएशन जिसमें बड़ी अफरा तफरी सी हो. ठीक है, सब आगे पीछे भाग दौड़ रहे हो. ठीक है, कुछ भी ठीक ना हो. ठीक है,
तो ऐसी क्योटिक किस्म की जो सिचुएशन है उसमें तुम इतने लेट बैक कैसे हो सकते हो, मतलब कि तुम इतने रिलैक्स और काम कैसे हो सकते हो, इर्द गिर्द इतना खेस है, सब लोग जो है ना बस अफरा तफरी सी है, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा, इतना शोर शराबा है, और तुम ऐसी एक सिचुएशन के अंदर इतने लेट बैक कैसे हो सकते हो, मतलब इतने कूल और काम कैसे हो सकते हो. ठीक है, अ नेक्स्ट स्लैंग वर्ड इज फैफ. फैफ का मतलब होता है टू वेस्ट टाइम, वक्त को जाया करना, और वो वक्त को कैसे जाया करना है कि आप स्पेंड टाइम इन इन इफेक्चुअल एक्टिविटी, कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जिसका कोई फायदा नहीं है, फजूल के कामों में अगर कोई इंसान वक्त जाया कर रहा है तो उसके लिए आप ये स्लैंग वर्ड जो है वो फैफ यूज करेंगे. जैसे कि आप इसको कह सकते हैं कि वी आर लेट बिकॉज शी वॉज फैफिंग अराउंड. आप कहीं पे अपनी वाइफ के साथ जा रहे हैं और आप लेट हो गए हैं और आप एक्सक्यूज दे रहे हैं कि भाई हम लेट इसलिए हुए कि शी वॉज फैफिंग अराउंड, मतलब कि वो फजूल किस्म के कामों में इसने इतना टाइम जाया कर दिया कि हम लोग जो है वो लेट हो गए हैं, शी वॉज फैफिंग अराउंड. अच्छा जी, हमारा नेक्स्ट जो स्लैंग वर्ड है एपिक. एपिक भी आपने बहुत सुना होगा, ये कॉमन स्लैंग वर्ड है और इसका मतलब होता है समथिंग दैट इज इम्प्रेसिव, कोई चीज जो बहुत जबरदस्त हुई हो तो उसके लिए हम यूज करते हैं ये स्लैंग एपिक. इट वॉज एपिक, मतलब कि ये बहुत अच्छा था. जैसे कि इसके सेंटेंसेस हो सकते हैं कि हैव यू ट्राई दिस न्यू रेस्टोरेंट, इट्स एपिक, कि तुमने ये नया रेस्टोरेंट ट्राई किया है, इट्स एपिक, मतलब कि ये बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट है. ठीक है, जैसे कि हर रिप्लाई वॉज एपिक, कि किसी ने बहुत अच्छा किसी बात पर रिप्लाई किया था, कह सकते हर रिप्लाई वॉज एपिक या योर रिप्लाई इज एपिक, कि बहुत जबरदस्त, बहुत इंप्रेसिव है. ठीक है, हमारा नेक्स्ट लैंग वर्ड है एपिक फेल. एपिक फेल उसका एपिक का जो है ना ऑपोजिट है. ठीक है, कि कोई चीज जो बहुत इंप्रेसिव है तो हम उसके लिए कहते हैं एपिक, और अगर कोई चीज बिल्कुल इंप्रेसिव नहीं है, ठीक है, बड़ी बोरिंग किस्म की, डल किस्म की, फजूल किस्म की गुजरी, तो आप उसके लिए कहेंगे इट वॉज एन एपिक फेल. ठीक है, जैसे आप सेंटेंस में कहेंगे द स्पीच वॉज एन एपिक फेल, कि वो जो स्पीच थी उसे एक्सपेक्टेशन तो ये थी कि वो बहुत इंप्रेसिव किस्म की होगी, वो नहीं हुई, उसका ऑपोजिट हो गया, तो आप कह सकते हैं कि द स्पीच वॉज एन एपिक फेल, मतलब कि वो बहुत ही फजूल थी. ठीक है, अब नेक्स्ट स्लैंग वर्ड इज चीजी. चीजी भी आपने बहुत सुना होगा, इसका मतलब ये बड़ा कॉमन स्लैंग वर्ड है और इसका मतलब होता है चीप, ऑफ लो क्वालिटी. कोई चीजी ज्यादातर यूज होता है जब कोई लड़का कोई ऐसी लाइन किसी लड़की को बोलता है जो बड़ी फिल्मी किस्म की हो, बड़ी चीप किस्म की हो, घटिया किस्म की हो, तो आप कहते हैं ना कि बड़ी ही चीजी लाइन थी या बड़ी ही चीजी बात की उसने. ठीक है, तो इस मीनिंग में यूज होता है. या किसी भी चीज की क्वालिटी भी अगर आपने बतानी है ना कि इस चीज की क्वालिटी बड़ी लो थी, तो उसके लिए भी ये चीजी जो है ना स्लैंग वर्ड यूज होता है. तो इसको जैसे कि आप सेंटेंस में कह सके दैट इज अ चीजी लाइन, कि ये जो तुमने लाइन अभी बोली है ना बड़ी फिल्मी किस्म की घटिया किस्म की लाइन है, मतलब उसमें कोई क्वालिटी नहीं उस लाइन में, उस बात में. ठीक है, तुमने बहुत घटिया किस्म की लाइन बोली है, तो उसके कहेंगे दैट वाज अ चीजी लाइन. और सेकंड ये है कि आई कैन स्टे इन दिस चीजी होटल, कि ये होटल जो है इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है और मैं इसमें नहीं रह सकते क्योंकि ये एक बड़ा चीजी किस्म का होटल है. ठीक है, अब नेक्स्ट स्लैंग वर्ड इज लेम. लेम हम यूज करते हैं जब आपने किसी बात को कहना है कि कोई बात स्टूपिड है, झूठी है, फजूल है, या कोई चीज बड़ी डल है. ठीक है, वो इतनी अच्छी नहीं थी, उसमें वाइब्रेंट नहीं थी, वो बड़ी डल किस्म की थी, बोरिंग किस्म की थी. जैसे सेंटेंसेस में है कि आई डोंट बाय दिस लेम एक्सक्यूज, आई डोंट बाय हिज लेम एक्सक्यूजेस, कि उसके जो लेम किस्म के, झूठे किस्म के, स्टूपिड किस्म के एक्सक्यूजेस है. बाय करने का मतलब ये होता है ट्रस्ट करना, मान लेना किसी की बात को. तो आई डोंट बाय हिज लेम एक्सक्यूजेस, इसका मतलब ये कि मैं उसके जो झूठे बहाने हैं ना उनको, या उसके स्टूपिड किस्म के जो बहाने हैं, आई डोंट बाय देम, मतलब कि मुझे उन पे यकीन नहीं है. ठीक है, मैं उनको मान नहीं रही हूं या रहा हूं. और जो सेकंड मीनिंग है कि हर बर्थडे वाज लेम, कि उसकी जो बर्थडे पार्टी थी, हर बर्थडे पार्टी वाज लेम, कि उसकी जो बर्थडे पार्टी थी वो बहुत ही डल किस्म की थी, बोरिंग किस्म की थी, इट वाज नॉट वाइब्रेंट और एक्साइटिंग और थ्रिल्ड. ओके, अब नेक्स्ट लैंग वर्ड इज सिक. सिक का मतलब, अब ये दोनों मतलब में यूज होता है और इट्स क्वाइट कंफ्यूजिंग. वैसे नॉर्मली जो सिक का मतलब यूज होता है वो होता है कोई चीज बहुत ही फजूल है, बुरी है, फिल्थी है, गंदी है. ठीक है, उसके लिए सिक यूज होता है. लेकिन इसको समटाइम्स लोग जो है ना वो ऑसम के मीनिंग में भी, कोई बहुत अच्छी चीज है उसके लिए भी यूज करते. तो आप इन दोनों मीनिंग्स में ये वर्ड, ये स्लैंग वर्ड यूज होता है. बस आप इसको कैसे गेस करेंगे कि किस मीनिंग में है, क्योंकि दोनों क्वाइट ऑपोजिट इसके मीनिंग्स हैं. ठीक है,
आप सिर्फ एक्सप्रेशन से और कहने के अंदाज से और सिचुएशन से आप जो है ना वो गेस कर सकते हैं कि उसका कहने का मतलब ये कि ये चीज़ बहुत फिल्थी है, घटिया है, गंदी है, या ये बहुत अच्छी है, ऑसम है. ठीक है, जैसे कि इसके सेंटेंसेस हैं, द मूवी आई वॉच लास्ट नाइट वॉज सो सिक. अब इसका मतलब ये होता है कि कहना कि द मूवी आई वॉच लास्ट नाइट वॉज सो सिक मीन्स के जो मूवी मैंने लास्ट नाइट देखी थी वो बहुत ही ऑसम थी. अब कहने के अंदाज से पता लगेगा कि अच्छा उसके कहने का मतलब ये कि मूवी बहुत ही ऑसम थी, बड़ी जबरदस्त थी. ठीक है, और दूसरा कह सके दिस करी टेस्ट सो सिक कि ये जो करी जो मैं जो भी सालन खा रहा हूँ या खा रही हूँ ये बहुत ही सिक है, मतलब इसका टेस्ट जो है ना बहुत ही गंदा है, बहुत ही फिल्थी है. ठीक है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा. तो ये सिक जो स्लैंग वर्ड है ये दोनों मीनिंग्स में इस्तेमाल होता है. हमारा जो नेक्स्ट स्लैंग वर्ड है वो है स्क्रू अप. स्क्रू अप का मतलब ये होता है कि सिचुएशन दैट इज मिसहैंडल्ड. कोई इंसान किसी सिचुएशन में कुछ गड़बड़ कर दे तो वो कहेगा ओ माय गॉड आई स्क्रूड अप, मींस कि मैंने इस सिचुएशन में गड़बड़ कर दी, मैंने इस सिचुएशन को मिसहैंडल कर दिया, या मैंने इस सिचुएशन को जिस तरह से इसमें मुझ आई वाज सपोज टू एक्ट मैंने वैसे नहीं किया और मैंने खराब कर दिया काम. कोई सिचुएशन खराब कर दी, गड़बड़ कर दी, कोई काम खराब कर दिया तो वो इंसान कह सकता है कि आई स्क्रूड अप, या कह सकता है यू स्क्रूड अप कि मतलब तुमने ये सारा काम खराब किया. ठीक है, ये स्लैंग वर्ड इसीलिए कि किसी सिचुएशन किसी काम की गड़बड़ में ना ये स्लैंग वर्ड यूज किया जाता है. तो इसका सेंटेंस होगा आई सेंट इन्विटेशन टू रॉन्ग एड्रेस आई स्क्रूड अप कि मैंने जो इन्विटेशन भेजना था जिस एड्रेस पे भेजना था उस पे भेजने की बजाय मैंने गलत एड्रेस पे भेज दिया. आई स्क्रूड अप मतलब कि मैंने सिचुएशन में गड़बड़ कर दी है. ठीक है, नेक्स्ट हमारा स्लैंग वर्ड है रिप ऑफ. रिप ऑफ का मतलब ये होता है, एक तो होता है फ्रॉड की मीनिंग में भी यूज होता है रिप ऑफ. ठीक है, और दूसरा ये ओवर प्राइस्ड. वैसे ओवर प्राइस्ड भी फ्रॉड में ही आ जाता है कि अब वो क्योंकि सामने फ्रॉड नहीं होता है लेकिन वो तो जेन्युइन तरीके से करते हैं. जैसे कोई चीज है बहुत एक्सपेंसिव तरीके बेची जा रही है, जितनी उसकी एक्चुअल प्राइस है उससे ज्यादा प्राइस में वो चीज बेची जा रही है, तो इट मींस दे आर रिपिंग यू ऑफ कि वो आपसे जो ना पैसा खींच रहे हैं. और जैसे फ्रॉड में भी कोई इंसान जो है किसी दूसरे इंसान को धोखा देके उससे पैसा खींचता है. ठीक है, तो दोनों मीनिंग में रिप ऑफ जो है वो यूज होता है. इसका जैसे सेंटेंस होगा दिस ब्रांड्स जस्ट रिप अस ऑफ कि ये जो ब्रांड्स है ना वो बस हमें रिप ऑफ करते हैं, मतलब कि इतनी महंगी चीजें होती नहीं है जितनी महंगी वो बेचते हैं, बस हमारा पैसा जो है ना वो खींचते हैं. ठीक है, एंड नेक्स्ट स्लैंग वर्ड इज बमर. बमर कहते हैं नॉट गुड, कोई चीज जो अच्छी ना हो, फजूल हो. ठीक है, तो उसके लिए आप कह सकते हैं कि वो बमर वर्ड यूज कर सकते. जैसे कि अगर आपका एग्जाम अच्छा नहीं गया तो आप कहेंगे माई एग्जाम वॉज बमर कि मेरे एग्जाम्स इतने अच्छे नहीं थे. ठीक है, तो आप जैसे इसका सेंटेंस है हिज कंपनी इज अ बमर कि उसकी जो कंपनी है ना उसके साथ बैठने को बात करने को मजा नहीं आता क्योंकि उसकी कंपनी एक बमर है. ठीक है, बहुत फजूल है, अच्छी नहीं है. हमारा नेक्स्ट लाइन वर्ड है फॉर रियल. फॉर रियल हम यूज करते हैं समथिंग इज एक्चुअली द केस. अगर आपने ये कहना कि ये ऐसा ही है, ठीक है, तो उसके लिए हम फॉर रियल यूज करते हैं. जैसे किसी को कन्विंस करना है या किसी को बोलना है कि जो बात मैं कह रहा या कह रही हूँ ना ये ऐसे ही है, एक्चुअल में जेन्युइनली ये बात बिल्कुल ऐसे है, तो तब आप बोलते हैं फॉर रियल. जैसे कि आई मिस्ड यू फॉर रियल, आपने किसी को बोलना हो ना कि मैंने तुम्हें वाकई बहुत मिस किया. ठीक है, फॉर रियल मतलब ऐसे वाकई में बहुत ज्यादा मिस किया. जैसे कोई यकीन ना कर रहा हो तो आप कहीं आगे से आई मिस्ड यू फॉर रियल कि मैंने तुम्हें वाकई में बहुत ज्यादा मिस किया. और जैसे कि आई हैवंट ईटन सिंस मॉर्निंग फॉर रियल कि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया हुआ, को वाकई में कुछ नहीं खाया हुआ. किसी को जेन्युइन बताना ना कि कोई चीज ऐसे ही है तो उसके लिए आप कहते हैं फॉर रियल. अच्छा, किसी बात पे ना आपने अगर अपना सरप्राइज भी शो करना है ना कि आप एकदम से शॉक हो गए या सरप्राइज्ड हो गए, तब भी जो लोग अक्सर बोलते हैं इज इट फॉर रियल, मतलब कि क्या ये वाकई ऐसे है. इवन के सामने वो चीज नजर आ रही होती है कि वो रियल में ऐसे ही है, लेकिन जस्ट अपना एक सरप्राइज कि आप सरप्राइज हो गए हैं या आप शॉक में आ गए हैं, तो उस एक्सप्रेशन को शो करने के लिए भी ये बोला जाता है फॉर रियल. ठीक है, इज इट फॉर रियल, आर यू फॉर रियल, इस तरह करके जस्ट अपना एक सरप्राइज जो है ना वो ये अपना एक शॉक जो है ना वो शो करने के लिए. अच्छा जी, हमारा नेक्स्ट जो स्लैंग वर्ड है वो है डैम. डैम भी बहुत कॉमन स्लैंग वर्ड है, आपने बहुत सुना होगा. और डैम बोला जाता है जब भी किसी इंसान ने अपनी कोई फ्रस्ट्रेशन शो करनी हो या उसको कोई गुस्सा आ रहा हो किसी बात पे कि ओ गॉड ये कैसे हो गया, तब कहेंगे डैम. इस तरह करके लोग अक्सर बोलते हैं, ठीक है, कि डैम ये कैसे हो गया, कोई गलत हो गया, कोई गड़बड़ हो गई, या किसी बात पे गुस्सा आ गया, या आपको आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं किसी काम पे, तो तब जो ना लोग अक्सर ये स्लैंग वर्ड यूज करते हैं डैम. ठीक है, जैसे इसके सेंटेंसेस होंगे डैम अगेन आई गॉट लेट,
कि मैं फिर से लेट हो गया. डैम, जैसे आपको आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं कि मैं फिर से लेट हो गया, या आपको गुस्सा आ रहा है, ठीक है. या सेकंड जो है, डैम आई लॉस्ट माय वॉलेट, कि मैंने अपना वॉलेट जो है वो गुमा दिया. डैम, ये एक एक्सप्रेशन है, इसीलिए आप देखें कि डैम के साथ मैंने एक्सक्लेमेटरी मार्क्स जो है वो लगाया, क्योंकि ये एक इमोशन को एक्सप्रेस, एंगर और फ्रस्ट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए होता है, ठीक है. हमारा जो नेक्स्ट स्लैंग वर्ड है वो है शेडी. शेडी का मतलब होता है डाउटफुल. कोई भी चीज जिसमें आपको डाउट लग रहा हो, आपको लग रहा हो कि ये चीज में ना गड़बड़ है, ये चीज मशकूक है, डाउटफुल है, उसके लिए हम शेडी जो है ना स्लैंग वर्ड यूज करते हैं. जैसे कि हर स्टोरी सीम्स शेडी, कि उसकी जो स्टोरी है ना वो मुझे डाउटफुल लग रही, जो भी उसने कहानी सुनाई है ना मुझे ये सही नहीं लग रहा है, मुझे डाउट है इसके ऊपर, ठीक है. तो कहेंगे हर स्टोरी सीम्स शेडी, या दिस शेडी गाय वॉकिंग अराउंड आवर हाउस, कि आपको अपने घर के इर्द गिर्द कोई ऐसा मशकूक किस्म का, डाउटफुल किस्म का शख्स नजर आ रहा हो ना, तो आप कह सकते हैं कि बड़ा शेडी किस्म का कोई इंसान है जो हमारे घर के इर्द गिर्द जो है ना वो चल फिर रहा है, ठीक है. तो दिस शेडी गाय वॉकिंग इज वॉकिंग अराउंड आवर हाउस. सॉरी, मैं इसमें जो ना टाइप करना भूल गई हूँ, तो इसमें इज लगेगा, ठीक है. नेक्स्ट इज क्रीपी. क्रीपी का मतलब होता है समथिंग दैट मेक्स यू फील फ्राइटेंड. कोई भी चीज जो बड़ी ड्रोनी किस्म की हो, अजीब सी हो, ठीक है, तो उसके लिए ये स्लैंग वर्ड क्रीपी यूज होता है, जो आपको थोड़ा सा ना आपके अंदर खौफ सा पैदा करे. जैसे कोई घर है, कोई बड़ा हॉन्टेड किस्म का घर है, वहां पे कोई इंसान गया, या कोई पुरानी इमारत है वहां पर गए, तो आप कहेंगे कि दिस बिल्डिंग लुक्स क्रीपी, कि ये बड़ी क्रीपी किस्म की बिल्डिंग लग रही है, मतलब कि कोई ड्रोनी किस्म की लग रही है, गंदी सी लग रही है, इसमें खौफ सा आ रहा है, ठीक है. तो कोई भी चीज जो आपको फ्राइटेंड कर दे, तो उसके लिए क्रीपी जो स्लैंग वर्ड है वो यूज होता है. जैसे कि he always give that creepy smile, कि वो हमेशा वो ना एक बड़ी creepy किस्म की smile जो ना वो देता है, मतलब ऐसी smile देता होता है ना, कुछ बड़ी घटिया किस्म की smile होती है जो दूसरों को डरा देती है, जो होता किस तरह से एक्सप्रेस करूं मैं, बोलूं मैं, मतलब किसी की भी ऐसी कोई स्माइल है जो बड़ी आपको लगे कि उसकी स्माइल तो ना बड़ी विलनिश किस्म की है, तो जो कि दूसरों को ना डरा सकती है, तो वो आप कह सकते हैं कि ही ऑलवेज गिव्स दैट क्रीपी स्माइल, कि वो हमेशा वो एक क्रीपी किस्म की, फ्राइटनिंग किस्म की जो ना स्माइल जो है वो देता है, ठीक है. हमारा लास्ट जो स्लैंग वर्ड है वो है गेट रोलिंग. गेट रोलिंग जो है ना वो दो मीनिंग में इस्तेमाल होता है. एक है जाने के लिए, अगर आपने किसी को कहना है कि चलो चलते हैं, तो लेट्स गेट रोलिंग, मतलब कि जाने के लिए, आओ चलें, कहीं पे जाना है, तो उसके लिए गेट रोलिंग यूज होता है. और किसी चीज को स्टार्ट करने के लिए भी हम कहते हैं कि लेट्स गेट रोलिंग, कि चलो इस चीज को शुरू करें, या चलो ये काम करें. कहीं पे जाने के लिए भी कहते हैं कि गेट रोलिंग, और कोई चीज स्टार्ट करने के लिए भी कहते हैं गेट रोलिंग, ठीक है. इसका सेंटेंस होगा वो मस्ट गेट रोलिंग नाउ, कि अब हमें जरूर जाना चाहिए, ठीक है. और जो सेकंड इसका मीनिंग है, लेट्स गेट रोलिंग विद दिस प्लान, कि जो ये प्लान है चलो आओ इस पर काम करते हैं, चलो इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है. तो जाने के लिए और कोई भी चीज स्टार्ट करने के लिए, इन दोनों के लिए हम गेट रोलिंग जो है वो यूज करते हैं, ठीक है. ओके जी, हमारा लेसन यहाँ पे खत्म होता है. आई होप कि ये लेसन आपके लिए इंटरेस्टिंग था. अगर आपको बहुत अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग लगा है, डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन बिलो. शेयर कीजिए मेरी इस वीडियो को, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, एंड आई सी यू नेक्स्ट लेसन. अल्लाह हाफिज़.